वेलकम बैक गाइस, नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है और आज के ब्लॉग की शुरुआत होगी डायरेक्ट जिम से। तो आज कार ड्राइविंग हम थोड़ा लेट जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं जिम। मज़ा आ गया, मज़ा जो सो के और लेट उठ के जो आया है वो है मज़ा। चलो फिलहाल जिम करते जा, लेट नहीं हुआ, 8:30 बज रहे हैं, 8:30 सुबह के, रात के नहीं। चलो का वर्कआउट हो चुका है, थोड़ा फटाफट हुआ है क्योंकि मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना क्या जाना उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग। तो आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना और कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, मैं जूते निकाल रहा हूँ। हाँ, तो आज का ब्लॉग ज़्यादा मतलब ब्लॉग बोल रहा हूँ, आज की ज़्यादा जिम की वीडियो नहीं बना पाया मेरे को, थोड़ा ज़्यादा जल्दी फटाफट लगाया मैंने। क्या लगाया? फटाफट फटाफट पसीना, देखो पसीना, ये खून पसीना। तो चलो फिलहाल घर पे मेरा कुछ वेट कर रहा है, चलते हैं फटाफट। खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट करके तो अभी जा रहा हूँ कार ड्राइविंग के लिए। धूप बहुत तेज पड़ रही है यार, आ तो धूप निकली हमारे यहाँ। चलो हमारी कार वो खड़ी है, वो वाओ नाइस। ये 10 बजे हैं, मैं घर से निकल चुका हूँ और आप लोग को मैंने ब्लॉग में बोला था कल के कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ घर से। तो अभी थोड़ा और आगे चलो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कहाँ जाने वाले, क्या जाने वाले, उस सब के लिए थोड़ा और इंतजार करो। चलो जा, कहाँ रहे थे ना पहले? भाई पता जाएगा कहाँ जा कहाँ रहा है भाई, तुम ही वजनदारी बोल रहे हो, हम लेके जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। कोई तो हमें लिफ्ट देकर नहीं है, हमारा चालू हो चुका है, दंगड़ 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 दंगड़। चलो और हमारा भाई हमें साथ रहता है हमारे, तो हमारा सफर और भी यादगार हो जाता है, वो सफर इंजॉय करो पूरा। भोपाल स्टेशन से ट्रेन से इसलिए इधर भूल पड़ रहे। ऐसा क्यों? लेकिन काम चल रहा है ना लाइन का। तो रेलवे की कोई भी जानकारी के लिए आप अंकित करार से संपर्क करें, इनका इंस्टाग्राम का बायो आईडी सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हमारी ट्रेन सामने खड़ी और भीड़ भाई, ओ ओ ओ भाई भाई भाई, बोलना चाहोगे भाई? ट्रैफिक उधर से उधर तक ही है, ट्रैफिक बोल रहा हूँ, भीड़ भाई, भीड़ 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 भीड़। श्री महाकाल, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो उज्जैन पहुंच गए हैं हम लोग। सुकून मतलब नए साल की पहली ट्रिप है हमारी, मतलब वो भी महाकाल जी के दर्शन होंगे आज, मज़ा आ गया, सुकून सुबह सुबह। चलो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा, पूरा ब्लॉग देखना आज आप लोग। एक खतरनाक गानी सुनो और ट्रेन से उतरते ही मजबूत वाला फ्रेश होने का था, और भाई यहाँ पर वॉशरूम ही नहीं मिला था यार, जुगाड़ दुगाड़ करके वॉशरूम गया, तो अभी ज़िंदगी में शांति है, बहुत खतरनाक वाला। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपकी कभी ट्रेन या कुछ हो तो स्टेशन से उतरने से पहले ही ट्रेन में वॉशरूम या फ्रेश हो जाओ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप समझ सकते हो मेरी भावना है वो, मैं आप लोगों से सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जस्ट अपनी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयर। कल की है मकर संक्रांति की आज की है? तो मतलब छुट्टी के दिन ज्यादा भीड़ रहती है उज्जैन में। और भाई कैसा लग रहा है? भाई को ठंड लग रही है, अभी मंदिर नहीं पहुंचे, 3:37 हो गए हमको। चलो मतलब उज्जैन में घाट है वहां पर नहाने, मतलब सुबह सुबह मैं घर में ही 10 घाट पे, और मैं घर पे ही मतलब 10 मतलब 12 कभी 12 से पहले नहाया नहीं है अभी ठंड में, और गर्म पानी से नहाता था। अभी यहाँ 4 सुबह के 4 मतलब कितने समझ लो 4:30-5 बजे समझ लो, ये आसपास ठंडे पानी से डुबकी लगाएंगे, तो ये आपको बनता है देखना।
भाई साहब मजा आ जाएगा। सो एक्साइटेड नहाने के लिए। अबे कार नहीं लाया, नो पार्किंग क्या देख रहा है तू उधर? हमारे इधर वाले तो इसका बंगला क्या आपको बनाने का यहाँ पर? उज्जैन आया हूँ ना, कभी सेम रास्ते से नहीं आया हूँ, हर बार मैं ना नए रास्ते से आता हूँ, तो ये भी याद रखो आप जब उज्जैन जाओगे ना कभी सेम रास्ता नहीं होगा, सिर्फ मंदिर का रास्ता जाने के लिए होगा, बाकी मंदिर पहुँचने के लिए घाट पहुँचने के लिए आप हमेशा, मैं 3 से 4, 5 से 6 बार आ चुका हूँ लेकिन सेम रास्ते पर नहीं आऊँ, हमेशा रास्ता चेंज ही हुआ घाट का या कहीं ना कहीं से बंद या कुछ करके घूम फिर के आना ही पड़ता है, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का, लेकिन जो भी है मस्त है, घूम फिर के आओ, हर बार नया रास्ता देखो। आप लोग मेरे पीछे में ऐसे देखो, पीछे को दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे राम घाट है, यहाँ पर नाना हम लोग को देख रहे हो, राम घाट है भाई, रेडी है ना? ये भाई हमारा कूदने वाला आए, जंप मारेगा ये, ये भाई डुबकी लगा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ भाई क्या होगा, भाई की डुबकी लग गई है, ये भाई मेरी बारी है, रेडी हो चुका हूँ डुबकी लगाने के लिए, चलो घाट में डुबकी लगा ली है, और जितनी स्पीड में मैंने डुबकी लगाई उससे ज़्यादा स्पीड में बाहर निकलते कपड़े पहने, भयंकर मतलब अभी तक कान सुन 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 मज़ा आ गया, लेकिन ना के झुंझुन आ गया, बहुत ठंड थी यार, हमारे भाई अभी तक रेडी ही हो रहे हैं। भाई क्या बोलना चाहोगे सुबह सुबह? पूछो मत, मज़ा आ गया लेकिन, क्या तो ठंडा पानी था, ऐसा लग रहा बर्फ़ के पानी में नहा लिया, लेकिन मज़ा आ गया। चलो अब यहाँ से अपन चलते हैं मंदिर, राम घाट पे नहा के हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर, भाई साहब नहा के जो सुबह सुबह डुबकी लगा के जो आनंद परमानंद जो सुकून वो मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकता हूँ, 5 मिनट के लिए सुन्न हो गए थे कान, कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद ठंड जो भागी है, एनर्जी सी आ गई अभी, ये भाई उधर से लाइन चालू हुई मंदिर के लिए, दिख नहीं रहा है एंड कहाँ पर है। भाई तुम्हारा उज्जैन में घर है कि क्या है? कहाँ रहते हो? उधर खेत भी है और वो घर भी है। सबसे ज्यादा भीड़ कब लगती है यहाँ पर? तुम वो नागपंचमी के दिन हाँ और शिवरात्रि के दिन, तो मतलब पूरा ट्रैफिक जाम, और बाकी दिन ऐसा नॉर्मल कि संडे जिस दिन वाले? हाँ संडे जो है ना आज, यानी कि बस हल्की से कम रहती है, आज तो भी ज्यादा वो मकर संक्रांति है। अच्छा सुमित माला करो, क्या बोलना चाहोगे? सर आई एम वेरी हैप्पी, बाकी ऐसा है कि मिलने की बड़ी इच्छा है बट मिल नहीं पाता मैं उनसे, वो बहुत बिजी रहते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अंदर घुस चुके हैं, जय श्री महाकाल, टीका वीका लगा लिया मस्त, लाइन बाहर से अंदर भी बहुत है भाई, ऐसा लग रहा है सिर्फ बाहर ही है अंदर ही है, महाकाल जी के मंदिर आके और इनकी नगरी में आके उज्जैन मतलब बहुत सुकून शांति मिलती है, ऐसा मजा आ जाता है, टाइम पता नहीं चलता कैसे, अभी देखना इसके अंदर शॉर्टकट टाइम निकलेगा। श्री महाकाल बाबा भोले, भीड़ देखो आप, श्री महाकाल भैया, ये लाइन तोड़ दे, ये लाइन तोड़ दी, ये बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बोले 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 बोले। बहुत पास में महाकाल जी के है ना भाई, बहुत पास में है, थोड़ी ही देर में दर्शन। दर्शन हो
बॉस घूम फिर और शांति से हुए भाई वो बात अलग है, वो करने नहीं देते, लेकिन हम लोग हमेशा कर लेते हैं। और मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई है, वो जरूर देखना। अंकल जी के दर्शन हो चुके हैं और मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई है, तो आपको जो मांगना है मांग लो। मैंने भी आप लोग के लिए मांग लिया है कि आप लोग हमेशा ऐसे खुश रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। चलो बाहर चलने की लाइन हो गई है, ठंड अच्छी खासी है यहाँ पर, बाहर का माहौल। दर्शन करने के बाद हम महाकाल लोग घूम रहे हैं सुबह सुबह, एक बार रात में तो घूमे, अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई, ये तो पूरा पेटी पैक हो गए। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये इधर का पूरा माहौल, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना सुकून है ना, शांति, बर्ड्स की आवाज़, चिड़िया की चें चें पें, सुकून। 2024 अभी ऐसा लग रहा है अभी चालू हुआ है, मतलब शांति। और मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ, जब भी आप लोगों को टाइम मिले इस साइड आना हो, उज्जैन वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे आ सकते हैं, जो बाहर से हैं बिंदास आओ, लेकिन जिस दिन हॉलीडे ना हो या कोई त्यौहार ना हो, उस दिन आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को दर्शन मिल जाएंगे। महाकाल लोक से चलने का समय आ गया है, आप लोग टाइम निकाल के आओ और थोड़ा आपको सुकून शांति मिलेगा। और ये उज्जैन में है महाकाल लोग, और जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा, बाकी आपको वीडियो देख के समझ आ जाएगा। उज्जैन में है, एमपी में पड़ता है, एमपी में, तो आप आओ जब भी फ्री रहो, जब भी आपको लगे कि चलना चाहिए बिल्कुल बिंदास। और जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं आ पाओगे, लेकिन फिर भी आप बैग पैक करके रखो, कोशिश करते रहो बैग पैक करके रखें, तुरंत उठ के आ जाए। हमारी तरह हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई मूड नहीं था, और हमें बुलाया गया है तो हम आ गए हैं। चाय नाश्ता हो चुका है, अब हम है ना उज्जैन दर्शन के लिए कुछ सोच रहे हैं, काल भैरव जाना है, लेकिन हमारे पास बजट कम है, तो हम थोड़ा सस्ते में कोई मिल जाए तो जाएंगे। हमें मिल रहा है ऑटो 300 बोल रहा आने जाने, तो हमारे अंकित भाई जुगाड़ कर रहे हैं। अंकित भाई क्या कर रहे हो, क्या जुगाड़ में, क्या सस्ता? तो भाई देख रहे हैं कि हम लोग सस्ते में क्या मिले, हमें बोल रहे हैं उज्जैन से काल भैरव जाने के लिए 200 रुपये में आना जाना, एक 300 एक 200, हम सोचे कुछ जुगाड़ में मिल जाए। निकल चुके हैं काल भैरव के लिए, हमें मिले, ये पूरी हमारे लिए खाली, बहुत इंतजार करने के बाद मिली है। आ जाओ आ जाओ, काल भैरव के मंदिर आ गए। मैंने तो एक नींद झपका मार लिया था, झपका नींद आ गई थी, सुबह 1 बजे के उठे हैं सुबह के। गाइस ये जूते रखे हैं हमने, या ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, हमें आते टाइम मिलना चाहिए हमारी अमानत, नहीं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो में से चला गया। ये ऐसा है एंट्री काल भैरव जी का। और छोटे सब बढ़िया, काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत अंदर से खुशी है। ये देखो पूरा ऐसा, लोगों ने अपनी ख्वाहिशें बांध के रखी हैं यहाँ पर ऐसा। क्या बोलने का अभी, नो वर्ड्स, शांति सुकून। ये पीछे से ऐसा है, हमारे अंकित भाई आगे चल रहे हैं, मस्त हुए दर्शन सुकून से,
थोड़ी भीड़ है लेकिन सुकून से हो जाते हैं, शांति, मतलब 5 मिनट तो नहीं बोल सकता, 2-3 सेकंड में ही ऐसा लगता सुकून हो जाता है पूरा, सुकून शांति सब ठीक हो जाता है मस्त। भाई जूते किधर है बता, भाई ने हमारे जूते छुपा दिए लेकिन उनको क्या पता हमने पहले ही देख लिए थे। ये मिल गए, ये इधर बैठ भी नहीं सकते थे, खड़े हुए पहनना पड़ेगा भाई। आओ तो काल भैरव के मंदिर भी आओ, मेरा ये सजेशन है आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दूर है, 4 या 5 किलोमीटर है, और हम लोग पहले तो जब भी आते थे कार से आते, लेकिन अभी हम लोग भोपाल से आए हैं उज्जैन ट्रेन से, और यहाँ से लोकल जो बीकल में घूम रहे हैं, तो अभी यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं। चलो अभी फिलहाल यहाँ चलते हैं, अभी कहाँ जाने का क्या है आगे का और देखो ब्लॉग, आपको पता चल जाएगा। तो उज्जैन का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोगों को क्या करना, अपना ध्यान रखना है, और आपको कल वाला ब्लॉग याद से देखना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंदौर, इंदौर में क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वो सब देखने के लिए आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा, और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल, बाय बाय।